नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मानसून के दस्तक के साथ ही इस बार बिहार में दो तरफा मौसम की मार का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ लोग छाता लेकर घर से बाहर निकलने पर मजबूर है, तो एक इलाके में लोगों का पंखे एसी के बिना गुजारा नहीं हो रहा है। एक इलाके में बाढ़ के कारण जल सैलाब दिख रहा है, तो दूसरी तरफ उमस और गर्मी ने बुरा हाल कर दिया है। हालांकि बिहार में इस बार मानसून ने समय से पहले ही दस्तक दे दिया था, लेकिन अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर मानसून काफी ज्यादा सक्रिय है। साथ ही भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। ये ऐसे इलाके हैं जहां पर मानसून की सक्रियता थोड़ी कम हो गई है, जिसके बाद अब मौसम वैज्ञानिकों ने मानसून की सक्रियता को लेकर फिर से नया पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके तहत मौसम विभाग के ताजा अपडेट की माने तो 9 जुलाई के बाद सूबे में और ज्यादा मानसून सक्रिय होने लगेगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बंगाल की खाड़ी में सक्रिय निम्न दबाव के और नमी का सिस्टम कमजोर नजर आ रहा है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी से होते हुए बिहार झारखंड तक कोई साइक्लोन सर्कल का क्षेत्र सक्रिय फिलहाल नहीं है। यही कारण है कि बिहार के अधिकांश हिस्सों में मानसूनी बारिश में कमी देखने को मिल रही है। सोमवार की बात करें तो बिहार में सामान्य से 75 डिग्री कम बारिश दर्ज की गई है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 9 जुलाई के बाद से मानसून सक्रिय होने की पूरी संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके तहत बिहार के कटिहार, बांका, मुंगेर, भागलपुर में 7 जुलाई, पूर्वी चंपारण और सुपौल में 7-8 जुलाई और अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में 7-8 और 9 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही सभी जिलों को येलो जोन में रखा गया है। इसके साथ ही जहां मौसम में कभी भी बदलाव होने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि बिहार के कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर मानसून बिहार वासियों पर मेहरबान है। इन इलाकों के किसान बारिश से जरूर परेशान है। इतना ही नहीं, बारिश की ऐसी मार कि उत्तर बिहार का बड़ा इलाका बाढ़ से ग्रसित है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार के उत्तरी और दक्षिण भाग में बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान बांका में सबसे ज्यादा 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, वहीं उत्तर बिहार के जयनगर में 40, झंझारपुर में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही मध्य बिहार की बात करें तो मौसम शुष्क बना रहा। यही कारण है कि मौसम विज्ञान केंद्र ने 9 जुलाई तक के लिए राज्य में येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके तहत राज्य में समस्तीपुर, मधुबनी, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिले में बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार का कहना है कि वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक एक ट्रफ लाइन गुजर रही है, जिसके कारण उत्तरी बिहार के कुछ भागों में बारिश हो रही है, खासकर नेपाल की तराई वाले इलाके में। वहीं दूसरी तरफ ट्रफ लाइन पूर्वी बिहार से झारखंड होते हुए उड़ीसा तक जा रही है, इसके कारण राज्य के दक्षिण भाग में जोरदार बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह की स्थिति 9 जुलाई तक बने रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।